गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बच्चों ड्यूटी से आ चुकी हूँ। और ये देखिए, कुछ कपड़े मैंने धोए, कुछ मेरे हस्बैंड जी ने कल धोए थे, आज सूखने फिर से दे दिया है, पूरी तरीके से सूखे नहीं थे। और ये मेरे हस्बैंड जी रेडी करके रखे थे सहजन के फूल, एकदम चुन के रखे हैं। और मैं अभी इनको पानी में दे रही हूँ, कुछ देर रहने दो तो जो मैल धूल होती है ना नीचे गिर जाएगी और फूल मेरा एकदम साफ हो जाएगा इसलिए। और सहजन का फूल तो मुझे बहुत पसंद है, आप लोग जानते हो। आज भी मैं पॉपी सीड के साथ ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे वैसे खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखो, प्रीतम के पापा छिलके फेंकते फेंकते ये बैग भी फेंक दिया था, फिर उठाया लाठी से। और आज सब्जी क्या क्या लाए हैं चलो दिखाती हूँ। कद्दू लाए हैं, प्याज लाए हैं नए वाले जो प्याज, और आलू, नए आलू जो उगे उठे हैं अभी बाज़ार में मिल रहे हैं, और करवा करेला, तो यही लाए हैं आज। अभी देखते हैं। और फूल तो दिखाए आप लोगों को, वो तो रेडी करके रखे थे मेरे आने से पहले। और क्या, और कुछ नहीं, अभी क्या बनेगा, मछली, हाँ मछली है, बाहर है मछली, धो मैं ये देखो धोकर मैंने रेडी करके दिया था, अभी फ्राई हो रहे हैं, फ्राई मेरे हस्बैंड जी ही कर रहे हैं। मैंने सिर्फ धो दिया था, फिर नहाने चली गई थी, और दूध भी गर्म हो चुका है। और इधर वो बैठ गए सब्जी काटने, तो बोल रहे हैं क्या बनाए क्या नहीं, फिर बोले कि मछली बनाएंगे, ये प्याज साग से थोड़ा सा हिस्सा लेंगे, सफ़ेद वाला हिस्सा लेंगे, और आलू के साथ मछली करी बनेगी, और सहजन के फूल तो पोस्तो पॉपी सीड के साथ बनेंगे, और बनेंगे बनाएंगे चटनी। देखो शुरू भी कर दिया है चटनी, टमाटर की चटनी, उसमें जाएगा खजूर, काजू, किशमिश, आमसत्तो, सब मिलाकर एक चटनी बनेगी। ये देखिए आमसत्तो मैंने रेडी कर दिया है, और ये बहुत दिनों तक हम खाएंगे, बहुत बहुत सारा बनेगा भी। तो जी लंच की तैयारी चल रही है, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया, और मैं अभी बाहर आ गई क्योंकि मुझे अभी कोई काम नहीं है रसोई घर में। आज शैम्पू किया है तो सोचा और थोड़ी देर बैठ लेती हूँ धूप में, बहुत अच्छा लग रहा है। शैम्पू करने के बाद ऐसे धूप में बैठे रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो पहले अपना बना ले, फिर मैं अपना बनाऊँगी, तो निकले इसलिए आ गई। और मसाले वगैरह सब पीस दिया है, जो सिल्वर पीसना था सब रेडी करके दिया है। और क्या, प्रीतम तो स्कूल गया है, घर में शांति ही शांति। वो बोलकर जाता है तुम लोग देर तक सोते रहते हो, फिर दोपहर को भी सोते हो, मुझे जलन होती है सचमुच। वो स्कूल से आता है, उसका टीचर रेडी, खाना भी खत्म नहीं होता, और हम उसके बाद भी सोते रहते हैं, और सुबह भी वो इतना जल्दी निकल जाता है तो सोचता है फिर इसके बाद हम सोए रहेंगे, आराम तो करते हैं थोड़ी देर। वो बहुत मतलब गुस्सा होता है, लेकिन रोज बोलता है नहीं जाना है स्कूल, नहीं जाना है आज, नहीं जाना है, ऐसा करता है। नहीं ये तो नहीं चलेगा, एक दिन अगर उसकी बात मान लो ना, बच्चे की बात मान लो, स्कूल ना भेजो तो ये आदत बन जाएगी। निकलो निकलो स्कूल जाओ पहले, फिर कोई बात। तो चलो ये निकले, फिर मैं अपना बनाती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो जी अभी मेरी बारी है, उनका जो मछली करी और चटनी बन चुका है, अभी मैं आई हूँ सहजन के फूल बनाने पॉपी सीड के साथ, लगभग रेडी ही है, अभी पोस्तो डाल दूँगी तो बस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से मसल देती हूँ उसको, फिर पोस्तो डाल दूँगी। और प्रीतम के पापा का तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। ये देखो मैं जब ये बना रही थी तब आ गए, क्या करने दिखाती हूँ, चलो ये देखिए, करेला भाजी बनेगा, कद्दू भाजी बनेगा, आलू भाजी बनेगा, मतलब इनका मतलब ख़त्म ही नहीं होता, लगता है सारा दिन रसोई में रहो और बनाते रहो। तीन तो बन गए ना, उसके बाद अभी ये फ्राई किए हुए चीज़ें क्यों खाना, नहीं अच्छा नहीं लगता, वाह फ्राई किए हुए चीज़ों को पहले खाना चाहिए तभी स्वाद आता है बाकी खाने में। तो बनाने लगे, मैंने बोला जो मर्जी करो, मैं अपना काम करके यहाँ से निकल जाऊँगी। और बर्तन तो हुए थे बहुत सारे, सब मैंने धोया, ये बनाते बनाते ही मैंने बर्तन सब धोकर साफ़ कर लिए,
और मेरी यही आदत है कि मैं मतलब किचन में खाना बनाते बनाते ही मैं सब साफ कर लेती हूँ, बर्तन एक 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 करके जो जो लगता है सब धोकर रख देती हूँ। तो क्या होता है, आपको बर्तन दिखेंगे ही नहीं, और एक साथ जमा करोगे तो बस सिर दर्द होने लगता है ज़्यादा बर्तन एक साथ जमा कर दो तो। और किचन भी मैं साफ करती रहती हूँ, खाना बनाते बनाते कहीं कुछ गिरा तो साफ कर देती हूँ, नीचे का दो तीन बार पोछ लेती हूँ। और ये देखो तैयार सब, हल्दी नमक लगा कर अभी फ्राई होंगे, और उधर चावल बन रही है। और चलो दिखा देती हूँ चटनी, ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है ना, चटनी का जो कलर आया है बहुत बहुत ही बढ़िया, देखने से ही खाने का मन कर रहा है। और ये पोस्तो, सहजन के फूल के पोस्तो, और ये मछली फ्राई किए हुए जो प्रीतम खाएगा, और ये रहा जी मछली करी, लाल लाल मछली करी, बहुत अच्छी बनी है देखने में, अभी खा के पता चलेगा कैसा बना है। और आप लोग सोचते हो कि लंच के बारे में मैं ज़्यादा दिखा तो मैं क्या करूँ, मुझे घर आते आते इतना लेट हो जाता है, फिर मैं घर की सफाई जल्दी जल्दी करती हूँ, उतना दिखा नहीं पाती, और रहता है तो ये लंच, तो लंच को ही अच्छे से दिखाती हूँ आप लोगों को और बातें करती रहती हूँ आप लोगों से, क्या करें बोलो। सुबह से अगर घर पे रहो तो बहुत सारे दिखाना होता है कब छोटे बड़े काम, लेकिन वो तो होता नहीं ना, ड्यूटी से आकर जो होता है वही दिखाती हूँ, वही शेयर करती हूँ आप लोगों से। कद्दू भजी मुझे बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है, पहले कद्दू भजी बनेगी, फिर आलू भजी बनेगी, फिर उसी ऑयल में। तो जी मेरा काम खत्म, अभी कुछ रील्स बनाती हूँ, थोड़ा सा सजा सजाया कुछ नहीं, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया बस। चलो तो जी ये रहा आज का लंच, गरम गरम चावल, कद्दू भाजी, करेला भाजी, आलू भाजी, सहजन के फूल के पोस्तो, चटनी और मछली करी, आज तो बहुत सारे मेनू में है, बहुत कुछ बना है आज, बहुत सारा कुछ, और सब मुझे पसंद है, लेकिन मैं मोटी बन जाऊंगी इतना सारा भाजी खाकर, मेरे हस्बैंड जी को कौन समझाए। हाँ अगर आप बोलोगे खाते क्यों हो, तो अगर बनेगा घर में आप लोग आपके सामने रहेगा आप देखोगे तो आपको खाने का मन नहीं करेगा, क्या बोलो। तो मैं देखती हूँ तो इतना सारा कुछ बनता है तो मैं खा भी लेती हूँ, ऐसे तो मुझे लगता नहीं, तन को मुझे लगता नहीं, लेकिन पेट थोड़ा बढ़ रहा है, पेट का कुछ करना पड़ेगा, बाकी मैं जो खाऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मोटी होती ही नहीं। बहुत मुश्किल से ये वेट आया है, पहले तो एकदम ही घट गया था शुगर होने के बाद, और शुगर पेशेंट को मतलब जल्दी कोई होता है कि बहुत मोटी हो मोटा मतलब मोटापन आ जाता है, और कोई होता है कि एकदम पतली हो जाती है, मैं पतली के दल में हूँ। तो जब भी थोड़ी रेस्ट कर रही हूँ, इसके बाद प्रीतम आएगा, प्रीतम तो नहीं तूफान आएगा, और लगेगा घर एकदम घूम रहा है, इतना बदमाशी शुरू करता है घर आने के बाद, स्कूल में तो बंधा रहता है ना, और घर आते ही शुरू बदमाशी, और खिड़की से धूप आ रही है, नींद तो आ रही है लेकिन नहीं, बच्चे को नहलाना है, खिलाना है, उसके बाद पढ़ने बिठाना है, ट्यूशन टीचर आएंगे, ये बहुत मुश्किल होता है, रोज ऐसे उसका खाना खत्म नहीं होता, ट्यूशन टीचर आ जाते हैं, ले कहाँ क्या करे बोलो, ट्यूशन टीचर ऐसे मिलते नहीं, अच्छे टीचर मिलते नहीं, ऊपर से मिल गए हैं तो उनकी ही बात माननी पड़ती है, उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है, नहीं तो बच्चे की पढ़ाई गड़बड़ हो जाएगी ना। लेकिन सेहत पर तो असर पड़ रहा है, स्कूल से आने के बाद कुछ खाने के बाद रेस्ट करना ज़रूरी है, और वो पढ़ने बैठ जाता है, 5 मिनट भी रेस्ट नहीं कर पाता, तो सेहत पर असर तो पड़ता है। देखते हैं अगले साल से कुछ कोचिंग में दे दूंगी, सोच रही हूँ कोचिंग में, थोड़ी लेट से 7 बजे 7:30 बजे तो अच्छे से सो भी पाएगा थोड़ी देर, और फिर अच्छे से कोचिंग में भी पढ़ पाएगा, देखते हैं क्या करते हैं। अभी इस साल को तो अब 2 महीने रह गए हैं, फरवरी में लास्ट में एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। आ गए शायद बाप बेटे दोनों, रुको दिखाती हूँ।
क्या आज तुम है ही नहीं, टाइम मिला ही नहीं सुबह को। ओ ये दिया टाइट करके, रुको। तो जी ये देखिए प्रीतम को भी खाना दे दिया है, अभी मुझे रेस्ट करना है, ये मेरी रेस्ट टाइम है ना प्रीतम। और प्रीतम का तुम्हें गुस्सा आता है? क्योंकि ये मैं जब सोता हूँ तब तुम खांसी हो रही है, तो चलो खिड़की अब बंद करते हैं और आराम से सो जाते हैं, फिर मिलेंगे शाम को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आप ईरानी आप लोगों से मिलने रेस्ट करने के बाद, और ट्यूशन टीचर भी चले गए तब आप लोगों से बातें करने आई, नहीं तो प्रीतम जब पढ़ता है हम लोग स्टॉप, क्योंकि एक बात बोलो उसका कान ऐसे। तो अभी गए, अभी आप लोगों से बातें करने आई हूँ, और किचन में भी मेरे बहुत सारे काम है तो वही करने आई हूँ। क्या कर रही हूँ ये देखो, मावा बना रही हूँ, मावा या खोए जो बोलो आप, खोआ घर में क्यों, मकर संक्रांति है पिठा बनाना है, तो घर में बने हुए मावा बहुत अच्छे होते हैं, हम हर बार ऐसा ही करते हैं, बाजार से नहीं खरीदते क्योंकि जहर होता है, और इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा जहर होता है, जो मर्जी से बनाते हैं पता नहीं क्या क्या डालते हैं, हर बार पुलिस पकड़ते हैं, फिर भी हर साल बहुत सारे नकली मावा बाजार में बिकते हैं, जो तो सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक, मतलब संक्रांति मनाने जाओ पीठा खा के या मर जाओ या हॉस्पिटल चले जाओ, तो इसलिए हम हर बार घर पे ही बनाते हैं, घर पे बने हुए मावा बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नहीं करना, बस दूध को ऐसे गैस पे बिठा के धीरे धीरे चलाते रहो और ऐसे साइड से नीचे उतारते रहो, बस तो आपका मावा घर में बनके तैयार हो जाएगा। ऐसे दूध को साइड से ऐसे हिलाकर नीचे उतारते जाओ, बस धीरे 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 धीरे, हर वक्त नहीं थोड़ी देर बाद बाद, कि आपको खड़े ही रहना है ये बात नहीं। और हाँ आज मैं आटा लगाना भूल गई, पता नहीं कैसे भूल गई, तो अभी याद है हाँ आज आटा नहीं लगाया, तो आटा लगा रही हूँ, निकाला भी है 5 रोटी का आटा, आप लोग जानते हो रोज बनता है हमारे घर 5 रोटी, 3 प्रीतम के पापा 2 प्रीतम, तो अभी आटा लगा के रख देती हूँ, अभी लगाने से भी मेरी रोटी अच्छी बनेगी, फूली फूली बनेगी, मैं जानती हूँ, अभी तो 6:30 बज रहे हैं, मैं रोटी बनाऊंगी 9 बजे के बाद, तो आराम से आटा सेट हो जाएगा, और वो भी करूंगी मैं, मावा भी बनाऊंगी और इधर आटा भी लगाऊंगी, उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसके बाद एडिटिंग करनी है, एडिटिंग बाकी है, तो आज का शाम ऐसे ही गुजर जाएगा मेरा, मैं जानती हूँ। तो आप में से कौन कौन घर में मावा बनाते हैं जरूर बताना, कमेंट से भी बताना, हर बार मेरे हस्बैंड जी करके देते हैं, इस बार मैंने थोड़ी गलती कर दी, जानते हो मैंने क्या किया, पहले 2 बार मैंने बना लिया था, दूध रह गए तो मैंने खुद बना लिया था, तो इस बार उनको मौका मिल गया, खुद बना सकती हो तो जब बना बनो, टाइम लगता है ना खड़े होकर ऐसे, तो इसलिए बाकी कुछ नहीं बना सकती हूँ, सब कुछ ही कर सकती हूँ, तो चलो बनाती हूँ, फिर लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा बना है, भी आटा लगाती हूँ आटा। तो जी ये देखिए मावा मेरा बनके तैयार, 2 किलो दूध से इतना मावा बना है, और मैंने थोड़ा टेस्ट किया, बहुत टेस्टी है और देखने से ही अच्छा लग रहा है ना, दुकान में खरीदने जाओ तो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा ही नहीं, देंगे कैसे, उनका तो प्रॉफिट चाहिए ना, हमारी ज़िंदगी फालतू मर जाओ तुम लोग, हमें से प्रॉफिट चाहिए, लेकिन हमारे घर का अच्छा है। तो जी ऊपर तो पिठा बनाना चल रहा है आज से ही लग रहा है, क्योंकि मिक्सी की आवाज आ रही है, चावल पीसे जा रहे हैं, और प्रीतम मीमी मीमी करता जा रहा है, और ऊपर से मीमी भी कभी कभी आवाज दे रही है, यही चलता है घर में हमारा। प्रीतम को जब भी टाइम मिलता है, मतलब टाइम तो बहुत कम मिलता है, जब भी मिलता है मीमी मीमी, क्या आ रहे तुम, हाँ हर बात में मीमी मीमी, क्या कर, नहीं नहीं लो ऐसा नहीं करते प्रीतम, प्रीतम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बंसी बजाएगा, बंसी बजाएगा, भेपू बजा रहा है भेपू। तो जो
क्या ये सभी चल रहा है। तो चलो आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत जरूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ। और ये देखो नंबर सेव है, फोन कर दो। करो 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 ठीक है। और हाँ मेरा जो खोवा है मेवा हम लोग तो जो मेरा मावा है कैसा बना है जरूर बताना। और हम लोग तो बोलते हैं चाचीरपुर ऐसा बोलते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, थोड़ा सा खाया भी मैंने, टेस्ट किया, बहुत अच्छा बना है। तो चलो टाटा आज के लिए, टाटा।